नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित होगा कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया के माध्यम से 70वीं बीपीएससी पीटी के लिए जो है विभिन्न संस्थानों के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोग जो है दृष्टि आईएएस के चौथे नंबर के टेस्ट पेपर पर चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली चौथे नंबर का टेस्ट पेपर जो है इंडियन इकोनॉमी पर आधारित है और इसके तहत भी हम लोग 150 क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। इसके पश्चात जो है हम लोग जो है दृष्टि आईएएस के टेस्ट पेपर शुरू करेंगे और जो है कुछ और संस्थान है जैसे पीडब्ल्यू के टेस्ट पेपर है और जो है पीडब्ल्यू के हो जाएंगे, एडुटीरिया के जो है चल ही रहे हैं और एक और है परफेक्शन आईएएस के टेस्ट पेपर है, वो भी जो है कल से स्टार्ट हो गए हैं तो भी चलेंगे। साथ ही बीपीएससी के करंट अफेयर के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है पूरे 1.5 साल का जो है बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी लाया जाए। तो आज हम लोग टेस्ट पेपर नंबर जो है चौथा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन से जो है मुद्रा स्फीति से लाभान्वित होने वाले वर्ग है। तो पहला ऑप्शन है ऋणी, दूसरा है कृषक, तीसरा है पेंशनभोगी, चौथा है उपभोक्ता। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे है कि मुद्रा स्फीति से लाभान्वित होने वाले वर्ग कौन कौन से हैं। तो मुद्रा स्फीति से जो है लाभान्वित होने वाले वर्ग होते हैं, कृषक होता है, ऋणी होता है, उत्पादक होता है और जो है उद्यमी वर्ग होता है। ये जो है मुद्रा स्फीति से लाभान्वित होने वाले वर्ग हैं। कृषक वर्ग जो है उत्पादन करता है और मुद्रा स्फीति के दौरान जो है वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं जिससे जो है कृषकों को अधिक मूल्य प्राप्त हो पाता है तथा वे लाभ की स्थिति में आ पाते हैं, है ना। और इसके अलावा मुद्रा स्फीति के कारण जो है उत्पादक और उद्यमी वर्ग को भी लाभ होता है क्योंकि जो है उत्पादक जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी कीमतें बढ़ रही होती हैं तथा मजदूरी में भी जो है वृद्धि जो है कीमतों की तुलना में कम होती है। इस प्रकार जो है कह सकते हैं कि मुद्रा स्फीति से जो है उद्यमी तथा उत्पादकों का फायदा होता है जबकि जो है उपभोक्ता को यहाँ पे हानि उठानी पड़ती है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति के सुझाव पर की गई। तो इस समिति का नाम बताना है। तो जो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। इसको जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं, नाबार्ड भी कहते हैं, इसको जो है हम लोग नाबार्ड भी कहते हैं और इसकी स्थापना जो है बी शिवरामन समिति की सिफारिशों पर जो है 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है दूसरा ऑप्शन है भगवती समिति के बारे में, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि भगवती समिति जो है बेरोजगारी और जो है सार्वजनिक कल्याण से संबंधित जो है समिति थी और इसका गठन जो है मई 1976 में न्यायमूर्ति भगवती की अध्यक्षता में हुआ था और इस समिति ने जो है गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के संबंध में सिफारिशें की जिसके बाद जो है संविधान की 42वें संशोधन द्वारा यह प्रावधान नीति निदेशक सिद्धांतों में जोड़ा गया। इसके अलावा अगली समिति है मालेगाम जो है समिति, इसका संबंध जो है माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र से है और भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र से संबंधित विषयों और इनमें विद्यमान चिंताओं का अध्ययन करने के लिए जो है YH मालेगाम समिति का गठन किया था। इसके अलावा जो है गोई पोरिया समिति है, इसका गठन 1990 में किया गया
जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसकी का गठन किया गया और यह समिति इस समिति के माध्यम से बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार के लिए कुछ सिफारिशें की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ पद दे रखा है, दूसरी तरफ उनकी व्याख्या। तो यहाँ पे देखा जाए सकल राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सकल राजकोषीय घाटे को जो है सामान्यतः सकल राजकोषीय घाटे में क्या होता है कि जो कुल व्यय होता है माइनस जो है राजस्व प्राप्तियाँ प्लस जो है गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियाँ इसमें सम्मिलित की जाती हैं। तो इसमें जो है सम्मिलित की जाती हैं और राजकोषीय घाटा जो है सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर जो है कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये युग में जो है सही सम्मिलित है, तो ये सही है। अगला है राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा के सामने लिखा है कि कुल राजस्व प्राप्ति की तुलना में कुल राजस्व व्यय का अंतर जो है राजस्व घाटा कहलाता है, ये भी सही है। अगला है प्राथमिक घाटा। तो सकल राजकोषीय घाटे से ब्याज की अदायगियों को घटाने से प्राप्त जो है क्या होता है, प्राथमिक घाटा। तो ये भी सही है। तो सही के लिए पूछा गया है, तो तीनों ही सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे चौथे में देखा जाए तो जो है न्यूनतम सुरक्षित कोष प्रणाली का जो है उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखा जाए तो आरबीआई जो है आरबीआई ने जो है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के जो है तहत जो है रिजर्व बैंक को जो है केंद्रीय बैंक की सभी महत्वपूर्ण कार्य जो है सौंपे गए हैं, जिनमें जो है मुद्रा जारी करने का एकाधिकार और आधिकारिक ब्याज दर निर्धारित करना, सरकार का बैंकर, बैंकों का बैंक, ऋण का अंतिम उपाय, देश की विदेशी मुद्रा भंडार और सोने के भंडार का प्रबंधन तथा बैंकिंग क्षेत्र का जो है विनियमन एवं जो है पर्यवेक्षण की जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इसके अलावा जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है मुद्रा का जो है निर्गमन न्यूनतम सुरक्षित कोष प्रणाली के तहत किया जाता है और भारत में यह तकनीक वर्ष 1956 से शुरू हुई, 56 से जो है प्रयोग में आ रही है, 56 से शुरू है। और इस व्यवस्था के तहत जो है केंद्रीय बैंक को हर साल जो है कम से कम 200 करोड़ रुपए का निवेश बनाए रखना आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा या सरकार द्वारा राजस्व घाटे को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। पहला है विदेशी जो है ऋणों का भुगतान, दूसरा है वेतन एवं पेंशन के भार में कमी, तीसरा है घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों का जो है विनिवेश। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है, ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो है हम लोग पाँचवें में देखें तो जो है पूछा गया है कि कौन से कथन यहाँ पे सही हैं। तो ये जो तीनों कथन है, ये जो है राजस्व घाटे को कम करने के लिए जो है उठाए गए कदमों के तहत आते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छः, इन एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं जो है स्कॉटिश अर्थशास्त्री जो है एडम स्मिथ जो है इसके जो है लेखक हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसका जो है प्रथम प्रकाशन जो है 1776 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है, राजकोषीय घाटे में कमी लाना जो है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो राजकोषीय घाटे में कमी लाना, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत जो है जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो सब जो है केंद्र सरकार या जो है सरकार का उत्तरदायित्व होता है,
ना कि जो है आरबीआई का, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है? पहला है निर्यात में वृद्धि, दूसरा है घरेलू उद्योगों को सुरक्षा, तीसरा है मुद्रा स्फीति में कमी। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो 8वें में देखने पे ये पता चलता है तो मुद्रा के अवमूल्यन के जो है प्रभाव कौन कौन से होते हैं। एक तो निर्यात में वृद्धि होता है, तो ये सही है। अगला है जो है एफपीआई प्रवाह में वृद्धि, जो ऑप्शन में नहीं है। घरेलू उद्योगों में जो कुछ जो है सुरक्षा प्रदान करना, ये भी सही है। अगला है जो है विप्रेषण में वृद्धि और गैर जरूरी आयात में कमी, और भारतीय कंपनियां विदेशों से जो ऋण लेती हैं उसका रुपये में मूल्य बढ़ जाता है, वो भी जो है मुद्रा अवमूल्यन के तहत आता है। लेकिन मुद्रा स्फीति में जो कमी का जो है विकल्प है, ये इसका जो है विकल्प नहीं है। तो यहाँ पे जो है तीसरा गलत है, इसलिए पहला दूसरा सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन सूचकांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे 9वें का करेक्ट आंसर है कि सेन सूचकांक का संबंध जो है निर्धनता आकलन से है, और इसका विकास जो है नोबल पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो है अमर्त्य सेन द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे केसी नियोगी थे, जिनका कार्यकाल जो है वर्ष 1951 में आयोग की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ, और जो है वर्ष 1956 में दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है के संथानम के समय तक चलता रहा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, गिनी गुणांक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी गणना हेतु किया जाता है? तो 11वें में देखा जाए तो गिनी गुणांक जो है आय विषमता और समावेशी विकास को मापने का एक जो है महत्वपूर्ण सूचक है। इसे वर्ष 1912 में जो है इटालियन सांख्यिकी विद जो है क्रोडो गिनी ने जो है विकसित किया था, और इसका अधिकतम मूल्य जो है 1 के बराबर तथा न्यूनतम मूल्य जो है 0 होता है। और विश्व बैंक के अनुसार जो है मार्च 2022 तक भारत का गिनी इंडेक्स जो है कितना है, 35.2 है था, जो कि वर्तमान समय में 50 या 0.5 के आसपास पहुंच गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, क्योंकि इसको जो है एक एग्जांपल के माध्यम से समझे तो यदि जो है किसी देश में गिनी गुणांक का मान बढ़ता है तो इसे जो है असमानता में वृद्धि का संकेत माना जाता है। गिनी गुणांक में जो है 0 से 1 तक रेंज होती है, इसे 100 से भी गुणा कर गिनी सूचकांक प्राप्त किया जा सकता है। इस श्रेणी में जो है 0 जो है न्यूनतम असमानता तथा 1 जो है उच्चतम असमानता का जो है प्रतीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? योजना दे रखी है और उनका जो है वर्ष दे रखा है, तो जो है बॉम्बे प्लान का मिलान होगा 1944 से, तो ये जो है सही है, क्योंकि जो है वर्ष 1944 में जो उद्योगपतियों का एक समूह था उन्होंने जो है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। और इसकी विशेषताओं में जो है देखा जाए तो ऋण वित्त पोषण की योजना बनाने में सरकार की एक जो है कार्यात्मक भूमिका, कृषि से औद्योगिकीकरण में परिवर्तन और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रूप में महत्वपूर्ण उद्योगों का निर्माण आदि इस प्लान के तहत सम्मिलित था। तो यहाँ पे पहला जो है युग्म सही सुमिलित है। अगला है जन योजना, जन योजना को जो है पीपुल्स प्लान भी कहा जाता है, और जो है M.N. Roy ने जो है वर्ष 1945 में इस प्लान का जो है मसौदा तैयार किया, और यह योजना जो है औद्योगिक क्षेत्र में उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण पर जोर देती है। तो यहाँ पे यह भी मिलान सही है। अगला है सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना जो है जयप्रकाश नारायण ने वर्ष 1950 में जो है तैयार की थी,
यह योजना जो है विनोबा भावे की सर्वोदय विचार और गांधीवादी योजना से जो है प्रेरित थी, और इस योजना में जो है कृषि तथा लघु एवं कुटीर उद्यमों पर प्रकाश डाला गया। तो यहाँ पे जो है ये भी युग्म सही सुमिलित है। अगला है गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना जो है 1940 में श्रीमन नारायण अग्रवाल ने जो है तैयार की थी, जिसमें उन्होंने गांधीवादी आर्थिक विचारों के आधार पर छोटी इकाई उत्पादन और कृषि को बढ़ावा देने पर जोर दिया। तो यहाँ पे 1954 लिखा है, जो कि गलत है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत के लिए ही पूछा गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन से जो है अर्थव्यवस्था की तृतीयक गतिविधियों से संबंधित है? पहला है परिवहन, दूसरा है भंडारण, तीसरा है संचार, चौथा है डेयरी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे जो है पूछा गया है तृतीयक गतिविधियों में, तो तृतीयक क्षेत्र में जो है संचार, परिवहन, सेवा तथा व्यापार वाणिज्य आदि को शामिल किया जाता है। परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवाएं तथा जो है व्यापार को तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है, क्योंकि ये जो है गतिविधियाँ जो हैं वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन करती है, इसीलिए जो है तृतीयक क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र भी माना जाता है। तो यहाँ पे जो है पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डेयरी उद्योग नहीं आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है 14। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आदेश मुद्रा को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से अभिव्यक्त करता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो आदेश मुद्रा को जो है अधिदिष्ट मुद्रा भी कहा जाता है। जो कागज मुद्रा जो है सरकार के आदेश पर जो है प्रचलित होती है उसे आदेश मुद्रा कहते हैं, और आदेश मुद्रा जो होती है वह प्रतिनिधि अथवा प्रतीक मुद्रा भी कहलाती है, जो राज्य द्वारा निर्मित और जारी की जाती है, परंतु जिसे कानून द्वारा अपने अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु से नहीं बदला जा सकता। यह जो है यह वैध मुद्रा होती है और इसका कोई आंतरिक मूल्य भी नहीं होता है। भारत सरकार द्वारा जारी की जाने वाली मुद्रा जो है आदेश मुद्रा है। वर्तमान में व्यवहार में आदेश मुद्रा और जो है अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा में कोई भेद नहीं किया जाता है, लेकिन जो है इस दौरान जो है देखा जाए तो कहा जा सकता है कि वह मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है उसे आदेश मुद्रा कहा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन से प्रयास जो है प्रतिकूल भुगतान संतुलन में सुधार हेतु प्रभावी होंगे? पहला है विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन, दूसरा है निर्यात शुल्क का जो है अधिरोपण, तीसरा है विदेशी ऋण एवं सहायता, चौथा है आयात सब्सिडी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे जो है 15 में देखना है कि जो है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो है एक तो विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन से जो है भुगतान संतुलन को जो है सकारात्मकता यानी सकारात्मक किया जा सकता है, क्योंकि यदि विदेशी विनिमय दर को कम किया जाता है तो इससे जो है मेजबान देश की निर्यातों में जो है वृद्धि होती है, इसलिए यहाँ पे जो है ये सुधार हेतु प्रतिकूल भुगतान संतुलन में सुधार हेतु जो है प्रभावी होगा, ये जो है कथन ये यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन जो है निर्यात शुल्कों के जो है अधिरोपण के परिणाम स्वरूप निर्यात जो है हतोत्साहित हो सकता है, जिसका भुगतान संतुलन पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि विदेशी ऋण एवं सहायता प्राप्त करना भी प्रतिकूल भुगतान संतुलन में सुधार हेतु का भी प्रभावी कदम होगा। लेकिन जो है चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा कि आयात सब्सिडी यहाँ पे गलत होगा। तो इस प्रकार पहला तीसरा यहाँ पे सही होगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। गुरुपद स्वामी समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 16 में देखा जाए तो 1979 में जो है भारत सरकार ने बाल मजदूरी की समस्या से निपटने के लिए जो है गुरुपद स्वामी समिति का गठन किया, और समिति ने जो है समस्या का विस्तार से अध्ययन किया और अपनी सिफारिशें जो है प्रस्तुत की, और समिति ने पाया कि जब तक गरीबी बनी रहेगी तब तक जो है बाल मजदूरी को हटाना संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए भी काफ़ी कानून बनाए गए, लेकिन अभी भी जो है बाल मजदूरी अधिनियम 1986 लागू किया गया, लेकिन जो है अभी भी इस पर जो है लगाम लगाना संभव नहीं हो पाया है सरकार के लिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन से जो है पूंजी खाता के घटक है। पहला है विदेशी ऋण, दूसरा है विदेशी सहायता, तीसरा है पोर्टफोलियो निवेश, चौथा है इक्विटी पूंजी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए चारों ही ऑप्शन जो है पूंजी खाता के घटक हैं, इसलिए यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, यह बेरोजगारी मुख्यतः विकसित देशों में पाई जाती है, यह व्यापार चक्र से संबंधित होती है, यह व्यापार चक्र के उस चरण में उत्पन्न होती है जब व्यापार क्षेत्र में मंदी की स्थिति आती है, इस प्रकृति अस्थायी होती है, इसकी प्रकृति जो है अस्थायी होती है। तो उपर्युक्त विशेषताएं बेरोजगारी के निम्नलिखित में से किस प्रकार को संदर्भित करती हैं। तो यह जो है एक प्रकार से देखा जाए तो चक्रीय बेरोजगारी है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में संस्था है, सूची सेकेंड में जो है स्थापना वर्ष है। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई, ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है यानी नाबार्ड की स्थापना कब हुई, शिवरामन सिंह समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने इसकी स्थापना 1982 में की, तो इसका मिलान दूसरे से हो जाएगा। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना जो है कब हुई, 1990 में, तो चौथे से मिलान हो जाएगा। और यह एक जो है पुनर्वित्त संस्था है, इसका मुख्यालय लखनऊ में है और यह लघु उद्योगों के लिए जो है वित्त पोषण और विकास जैसी गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कार्यों में सहयोग करती है। अगला है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी IDBI बैंक, ठीक है, जिसकी स्थापना 1964 में की गई, तो इसका मिलान हो जाएगा पहले से। अगला है जो है सेबी संस्था है, सेबी इसका गठन 1988 में किया गया सेबी अधिनियम 1992 के तहत। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन का कूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी जो है अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे 20 में देखा जाए तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय में द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का अधिक योगदान होना जो है देखा जाए विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो जो है इस अर्थव्यवस्था का जो है समाज जो है परंपरागत तथा आधुनिक समाज के मध्य का समाज होता है और इस समाज में जो है जनसंख्या वृद्धि दर संतुलित रहती है तथा तकनीकी और औद्योगिक विकास भी धीरे धीरे बढ़ता है। और इसके अलावा जो है जो अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था है की विशेषताओं में जो है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व होता है और प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात होता है और औद्योगिक जो है पिछड़ापन और आधारभूत संरचना का जो है निम्न स्तर पाया जाता है इसमें। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने शून्य आधारित बजट की संकल्पना प्रस्तुत की थी। तो 21 का करेक्ट आंसर है पीटर पार्चर ने जो है प्रस्तुत की थी, जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, GDP जो है अवस्फीति कारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसकी गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। दूसरा कथन है इसे छमाही आधार पर जारी किया जाता है। तीसरा कथन है इसमें सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 22 में देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन तो सही है लेकिन जो है दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि इसका डाटा जो है प्रत्येक महीने जारी किया जाता है और जो है इसके तहत गणना करते हुए सेवाओं को भी शामिल किया जाता है, इसलिए तीसरा दोनों गलत है, केवल पहला सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष से सरकारी व्यय के योजनागत एवं गैर जो है योजनागत व्यय वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है।
तो यहाँ पे जो है 23 का सही जवाब है सी ऑप्शन 2017-18 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं नहीं माफ कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा नहीं, जो है डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है इसको, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है तिरछी मुद्रा स्फीति को जो है उपयुक्त रूप से स्पष्ट करता है? तो 25 का करेक्ट आंसर है वस्तुओं के एक छोटे समूह में मूल्य वृद्धि जो है मुद्रा स्फीति को उपयुक्त रूप से, तिरछी मुद्रा स्फीति को उपयुक्त रूप से स्पष्ट करता है, क्योंकि जो है तिरछी मुद्रा स्फीति जो है मुद्रा स्फीति का ही एक विशिष्ट जो है विशिष्ट रूप होता है, जिसमें वस्तुओं के एक छोटे समूह या कुछ उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होती है, जैसे कि जो है प्रोटीन जो है मुद्रा स्फीति में सिर्फ प्रोटीन उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होती है, तथा खाद्य मुद्रा स्फीति में सिर्फ जो है खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, कार्यशील पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ये स्थायी संपत्तियों की तुलना में अधिक तरल होती है। दूसरा कथन है ये व्यवसाय में अधिक जो है लाभदायक होती है। तीसरा कथन है मूल्य में कटौती के आधार पर इनकी तरलता का निर्धारण किया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए जो है पहला और तीसरा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा कार्यशील पूंजी के बारे में। तो वर्किंग कैपिटल के बारे में देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये जो है व्यवसाय में अधिक लाभदायक होते हैं ऐसा कहा गया है। तो ये कथन जो है क्या हो जाता है, ये कथन जो है गलत है, क्योंकि ये जो है स्थायी संपत्तियों की तुलना में जो है कम जो है लाभदायक होता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो सही कौन सा है, पहला और तीसरा? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा घाटे के रूप में जाना जाता है? यहाँ पे 27 में देखा जाए यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, राजकोषीय घाटा तथा चालू खाता घाटा को जो है जुड़वा घाटे के रूप में जाना जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी देश के भागीदार न होने पर भी यदि उसकी मुद्रा का जो है उपयोग जो है भुगतान में किया जाए तो उस मुद्रा को निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पे 28 का करेक्ट आंसर है जो है व्हीकल मुद्रा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, इसे जो है व्हीकल मुद्रा कहा जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो यहाँ पे 29 का करेक्ट आंसर है, 29 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसकी स्थापना जो है 1944 में संयुक्त राज्य के न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र के जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी, तथा इसका संचालन वर्ष 1945 में शुरू किया गया था, और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी जो है भगवती समिति द्वारा प्रस्तुत बेरोजगारी की माप की अवधारणा नहीं है? तो यहाँ पे 30 का करेक्ट आंसर है जो है बी ऑप्शन, चालू मासिक स्थिति जो है भगवती समिति द्वारा प्रस्तुत बेरोजगारी की माप की अवधारणा नहीं है, बाकी जो है मूल समान स्थिति, चालू साप्ताहिक स्थिति और चालू दैनिक स्थिति जो है, ये तीन अवधारणाएं जो है प्रस्तुत की गई जो है भगवती कमेटी द्वारा, जो 1973 में प्रस्तुत की गई थी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी जो है पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताएं हैं? पहला है विक्रेता एवं क्रेता की बड़ी संख्या, दूसरा है प्रवेश एवं जो है बहिर्गमन की स्वतंत्रता, तीसरा है वस्तुओं के निकट जो है स्थानापन्न की अनुपस्थिति, चौथा है सरकार द्वारा विक्रेता का संरक्षण। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन वस्तुओं के निकट स्थानापन्न की अनुपस्थिति, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है उत्पादन के साधनों के जो है स्थानापन्न पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, ये जो है उपस्थित रहता है, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाता है, चौथा सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रुपए का प्रथम बार अवमूल्यन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो 32 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो है ए ऑप्शन 1949 में किया गया। और जो है मुद्रा के अवमूल्यन का मतलब होता है कि घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी होना जबकि आंतरिक मूल्य का स्थिर रहना। तो 1947 में जो है भारत की आज़ादी के बाद से भारतीय रुपये का तीन बार जो है अवमूल्यन हुआ है। 1947 में जो है विनिमय दर जो है कितनी थी, एक यूएसए डॉलर बराबर एक रुपये हुआ करता था, लेकिन रुपये का पहली बार अवमूल्यन जो है 20 सितंबर 1949 को किया गया और रुपये का दूसरी बार अवमूल्यन जो है 6 जून 1966 को किया गया। और 1965 के अंत में जो है पाकिस्तान के साथ भारत के युद्ध ने 1996 के अवमूल्यन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और रुपये का तीसरी बार अवमूल्यन जो है 1 जुलाई 1991 को किया गया। 1991 में जो है अवमूल्यन की प्रक्रिया जो है 1 जुलाई और 3 जुलाई को दो चरणों में की गई। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किसकी गणना जो है व्यापक मुद्रा के अंतर्गत की जाती है, यानी M3 के अंतर्गत की जाती है? तो 33 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, M1 प्लस बैंकों तथा सहकारी बैंकों की समय जो है बैंकों की समय जो है जमाएं। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर देखा जाए जो है भारत में मुद्रास्फीति की माप के लिए निम्नलिखित में से किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? तो 34 में जो है देखा जाए तो थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। एंजल के उपभोग नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आय में वृद्धि के परिणाम होंगे? पहला है भोजन पर होने वाले व्यय में वृद्धि, दूसरा है शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर व्यय में वृद्धि, तीसरा है मनोरंजन पर होने वाले व्यय में कमी, चौथा है आवास एवं वस्त्र पर व्यय जो है अपरिवर्तित। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर 35 में देखा जाए तो दूसरा और चौथा यहाँ पे जो है एंजल के उपभोग नियम के अनुसार आय में वृद्धि के परिणाम होंगे, लेकिन पहला और तीसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है आय में वृद्धि होने पर जो है भोजन व्यय का जो है प्रतिशत जो है घट जाता है और आय में कमी के साथ जो है भोजन का पर जो है प्रतिशत व्यय बढ़ जाता है। इसके अलावा जो है आय की वृद्धि जो है शिक्षा मनोरंजन स्वास्थ्य आदि पर प्रतिशत व्यय को बढ़ाती है, जबकि आय की कमी होने पर इन मदों पर जो है प्रतिशत व्यय घट जाता है। इसीलिए पहला तीसरा जो है गलत है, दूसरा चौथा सही है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। टोबिन कर निम्नलिखित में से किस जो है प्रक्रिया पर आरोपित किया जाता है? तो टोबिन टैक्स जिसे बोला जाता है, तो टोबिन टैक्स जो है पूंजी बाजार को स्थिर करने और सट्टेबाजी को जो है हतोत्साहित करने के लिए अल्पकालिक पूंजी व्यापार में तत्काल पूंजी व्यापार पर जो है प्रस्तावित किया जाता है। और 1972 में जो है जेम्स टोबिन द्वारा प्रस्तावित किया गया यह जो है टोबिन टैक्स अल्पकालिक मुद्रा अटकलों के मुद्दों को जो है हतोत्साहित करने या समाप्त करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। भारत सरकार ने भुगतान संतुलन में सुधार हेतु
निम्नलिखित में से किस वर्ष रुपए को चालू खाते पर पूर्ण जो है परिवर्तनी बना दिया? तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है 1994 में, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 38 में जो है देखा जाए तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही है कि इसकी गणना जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है और इसका आधार वर्ष जो है 2012 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, जमाकर्ताओं को संरक्षण देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा जो है लोगों की जमा धन पर गारंटी राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यहाँ पे देखा जाए 39 का करेक्ट आंसर है 5 लाख कर दिया गया है, 5 लाख कर दिया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि अभी हाल ही में जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन विधेयक 2021 के माध्यम से जो है बैंक डूबने या बंद होने की स्थिति में जमाकर्ताओं के जमा धन पर गारंटी राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है। इससे पहले जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961 जो है यहाँ पे लागू हो रहा था, लेकिन जो है अब जो है 2021 का जो है विधेयक लागू हो गया है और इसमें बैंक डूबने या बंद होने के 45 दिन में ही जो है DICGC ग्राहकों के खातों से जुड़ी सभी जानकारी एकत्र करेगा और 90 दिन के भीतर जो है गारंटीकृत राशि ग्राहकों को प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री के काल में किसान क्रेडिट कार्ड योजना को प्रारंभ किया गया था? तो RB गुप्ता समिति की जो है सिफारिशों पर अगस्त 1998 में जो है तत्कालीन वित्त मंत्री जो है यशवंत सिन्हा ने जो है इसको चालू किया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। यह योजना जो है किसानों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से जो है संस्थानिक ऋण लेने की सुविधा प्रदान करती है और इस योजना की नोडल एजेंसी NABARD को बनाया गया है और इसका जो है क्रियान्वयन तथा इसके अंतर्गत जो है किसानों को ऋण देने में सर्वाधिक भागीदारी व्यापारिक बैंकों की ही मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है किशोर मकवाना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो यहाँ पे देखा जाए तो फ्रांस जो है मार्च 2024 में जो है गर्भपात का जो है संवैधानिक अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इस जो है संविधान संशोधन के पक्ष में 780 और विरोध में जो है 72 वोट पड़े। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में निम्नलिखित में से किसी वर्ष 2024 के लिए जो है पृथ्वीकर वास्तुकला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे 43 का करेक्ट आंसर है जो है जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इस पुरस्कार की स्थापना 1979 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में चर्चा में रहा मिशन उत्कर्ष निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रोग्राम जो है मिशन उत्कर्ष जो है आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से जो है इस प्रोग्राम को किशोरियों में जो है एनीमिया का नियंत्रण करने के लिए इस जो है मिशन को शुरू किया गया था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पहले चरण में 5 राज्यों को शामिल किया गया है जिसमें असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान के जो है 5 जिलों को जो है इसमें समाहित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी की गई भारत में तेंदुआ स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तेंदुओं की संख्या के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है?
तो यहाँ पे देखा जाए तो रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में देश में अनुमानित जो है 12,852 तेंदुए थे, लेकिन अभी तेंदुओं की संख्या बढ़कर जो है 13,874 हो गई है। और जो है इस रिपोर्ट के अनुसार तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी जो है पूर्वी घाट और मध्य भारत में पाए जाते हैं, और जो है तेंदुओं की संख्या जो है मध्य प्रदेश में जो है 3,907 है, और जो है इसके पश्चात जो है महाराष्ट्र में है 1,985, और फिर जो है कर्नाटका में है जो है 1,879, तमिलनाडु में है 1,070। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में प्रकाशित हुई द विनर्स माइंड सेट निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वाटसन की द्वारा लिखित जो है उनकी जीवनी पर लिखित जो है आत्मकथा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित जो है मेनिनजाइटिस का टीका निर्मित करने वाला विश्व का पहला देश हो गया है? तो 47 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, नाइजीरिया है देश का नाम, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जो है मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो है भारत का लक्ष्य जो है 2030 तक है, और यहाँ पे जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष जो है एस सोमनाथ ने 16 अप्रैल 2024 को ये घोषणा की कि भारत का जो लक्ष्य है 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना, वो 2030 है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। एयरपोर्ट जो है काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी दुनिया की शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में निम्नलिखित में से किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे 49 का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन जो है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा हवाई अड्डा, और ये हवाई अड्डा कहाँ पे है? अमेरिका में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। अप्रैल 2024 में विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो इसका आयोजन जो है रोटरडैम नीदरलैंड में किया गया था, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसका विषय था नई परंपरा, निर्भरता, विश्वास, सुरक्षा और जलवायु अनुकूलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सी जो है राजकोषीय नीति के सुनहरे नियम की विशेषता है? तो यहाँ पे सही जवाब है यह केवल जो है पूंजीगत व्यय के लिए ऋण लेने का पक्षधर है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन से संकेतक शामिल किए जाते हैं? पहला जीवन प्रत्याशा, दूसरा है जो विद्यालयी शिक्षा के जो है अपेक्षित वर्ष, दूसरा है खाद्य सुरक्षा, तीसरा है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे 52 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पे खाद्य सुरक्षा गलत हो जाता है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा को इसमें शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि खाद्य सुरक्षा जो है मानव विकास सूचकांक के संकेतकों में शामिल नहीं होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित होने वाली पत्र मुद्रा पर निम्नलिखित में से किस वर्ष से जो है निर्गमन वर्ष लिखना प्रारंभ किया गया? तो 53 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है 2005 से ये शुरू किया गया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 100% जो है स्वचालित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है? तो यहाँ पे बीमा क्षेत्र में नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जो है नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि के परिणाम है? पहला है बैंक ब्याज दर में वृद्धि, दूसरा है निवेश में कमी, तीसरा है तरलता में कमी, चौथा है साख सृजन जो है क्षमता में वृद्धि। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो 55 में देखा जाए
तो पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे सही है, लेकिन चौथा यहाँ पे गलत है। चौथा यहाँ पे गलत है क्योंकि साख सृजन क्षमता में कमी से बैंकों के ऋण लेने की जो है क्षमता में कमी आती है, जिससे बैंक जो है ब्याज दर में वृद्धि होती है। इसलिए यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल पर जो है प्रतिक्रिया स्वरूप जो है स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नामक पुस्तक की रचना की? तो 56 में यहाँ देखा जाए तो राइट आंसर होगा जो है वाल्ट विटमैन रोस्टो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, एक तरफ वस्तुएं दे रखा है, दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं दे रखी हैं। तो समान वस्तुओं के बारे में देखा जाए तो समान वस्तुएं, वस्तुओं से मतलब होता है जिनका उपभोक्ता की आय के साथ सीधा संबंध हो, अर्थात जब उपभोक्ता की आय जो है में वृद्धि होती है तब उस वस्तु की मांग बढ़ती है, अथवा उपभोक्ता की आय में कमी के साथ ही उस वस्तु की मांग में भी कमी होती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं फल, मिठाई और मलाई। इसलिए पहला युग में जो है सही सुमेलित नहीं है, इसलिए पहला गलत है। अगला दूसरा है जो है स्थानापन्न वस्तुएं, ये वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर आसानी से प्रयोग की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए कोक तथा पेप्सी, चाय तथा कॉफ़ी। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है तीसरा ऑप्शन पूरक वस्तुएं। इसके सामने विशेषता लिखी है कि विशेष आवश्यकता की जो है संतुष्टि में साथ साथ प्रयोग करना। तो पूरक वस्तुएं वे होती हैं जिनका प्रयोग किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ साथ किया जाता है। इनमें एक वस्तु की मांग तथा दूसरी वस्तु की कीमत में जो है ऋणात्मक संबंध होता है, अर्थात कहा जा सकता है कि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं चाय और चीनी, जूते तथा जुराब, पेन और स्याही। तो इसलिए यहाँ पे यह युग में भी सही सुमेलित है। अगला है चौथा ऑप्शन निकृष्ट वस्तुएं। तो ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग जो है क्रेता की आय बढ़ने पर कम हो जाती है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, टोंड दूध, और इन वस्तुओं को जो है निकृष्ट वस्तुएं कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन भी सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में योजनाएं हैं, सूची सेकंड में प्रारंभिक वर्ष है। तो मेक इन इंडिया का जो है प्रारंभ कब किया गया? तो मेक इन इंडिया का प्रारंभ जो है सितंबर 2014 में किया गया, और जो है स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत अप्रैल 2016 में की गई, और जो है मुद्रा योजना जो है की शुरुआत जो है अप्रैल 2015 में की गई, और स्वनिधि योजना की शुरुआत जो है 2020 में की गई। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 है, गरीबी के निर्धारण के उद्देश्य से गठित निम्नलिखित समितियों को उनके स्थापना वर्ष के आधार पर जो है कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। पहला है जो है अलग समिति, दूसरा है रंगराजन समिति, तीसरा है दांडेकर और रथ समिति, और चौथा है जो है लकड़वाला समिति। तो यहाँ पे जो है चार समितियों का जिक्र है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 59 में, तो इनका जो है सही क्रम देखा जाए तो एम दांडेकर और एन रथ समिति जो है 1960-61 में। अलग समिति का गठन जो है 1979 में, और जो है लकड़वाला समिति का जो है गठन जो है 1989 में, और सी रंगराजन समिति का गठन जो है 2013 में। तो इस प्रकार यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन कूट के हिसाब से। अगला है क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किस उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की जाती? तो इस फसल का नाम है गन्ना। गन्ने की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं किया जाता।
गन्ने के लिए जो है उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारित किया जाता है, यानी FRP की सिफारिश की जाती है, ना कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की। तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न कंपनियों में शामिल नहीं है, नहीं के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे जो शामिल नहीं है वो जो है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है जो इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और महारत्न का दर्जा जो है ऐसी कंपनियों को मिलता है जो स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हों और जिनका सालाना टर्नओवर जो है पिछले 3 साल में 25,000 करोड़ से अधिक हो, साथ ही पिछले 3 साल में इसकी औसत नेटवर्थ जो है 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए और औसत नेट प्रॉफिट जो है 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है, रेड सब्सिडी निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से प्रदान की जाती है। तो रेड सब्सिडी जो है आयातित उत्पादों की अपेक्षा घरेलू उत्पादों के उपयोग के लिए की जाती है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है, ब्लू चिप कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इन्हें शेयर बाजार में निरंतर जो है दृढ़ स्थिति के लिए जाना जाता है। दूसरा कथन है कि शेयर बाजार का उतार चढ़ाव इनके लिए नकारात्मक होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 63 में हम देखें तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि शेयर बाजार की उतार चढ़ाव का इन पर बहुत ही कम फर्क पड़ता है, ना कि बराबर फर्क पड़ता है, नहीं यह तो कह लिया जाए कि नहीं फर्क पड़ता है, जिससे शेयरधारकों का पैसा डूबने का खतरा बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक को वैध पत्र मुद्रा को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पहला धार्मिक संदेशों के लेखन पर, दूसरा है राजनीतिक संदेशों के लेखन पर, तीसरा है किसी संस्था के लिए लाभकारी संदेशों के लेखन पर। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे 64 में देखा जाए तो तीनों ही कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन जो है ब्रेन ड्रेन की अवधारणा को निरूपित करता है। इस प्रकार यहाँ पे 65 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निम्न आय देशों से प्रतिभा का जो है स्थानांतरण होना जो है ब्रेन ड्रेन की अवधारणा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है, भुगतान बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इनकी न्यूनतम जो है प्रदत्त इक्विटी पूंजी 100 करोड़ रुपए है। दूसरा कथन है ये जो है प्रति जमाकर्ता अधिकतम 1 लाख रुपए प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा कथन है कि उपभोक्ताओं को क्रेडिट कार्ड की सेवा प्रदान करते हैं। चौथा कथन है इन्हें रिजर्व बैंक के पास जो है CRR के रूप में राशि जमा करनी होती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 66 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है, चौथा सही है। तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे देखा जाए तो तीसरा जो है कथन जो है यहाँ पे जो है गलत हो जाता है, क्योंकि जो है कहा गया है कि उपभोक्ताओं को क्रेडिट कार्ड की सेवा प्रदान की जाती है, जबकि भुगतान बैंक जो है अपने खाता धारकों को जो है ATM या डेबिट कार्ड तो जारी कर सकेंगे लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं, और भुगतान बैंक जो है ऋण कर्ज या उधार सेवा नहीं दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अधिकतम कितने मूल वर्ग के सिक्के जारी किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, 1,000 रुपये तक के जो है सिक्के जारी किए जा सकते हैं। सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के तहत जो है 1,000 रुपये तक के मूल वर्ग के सिक्के जो है RBI जारी कर सकता है, और जो है रिजर्व बैंक को ही जो है 10,000 रुपये तक के मूल के नोट जारी करने का भी अधिकार है। भारत में जो है 4 ऐसे जो है मुद्रा स्थल हैं जहाँ पर नोटों का मुद्रण किया जाता है। पहला है मध्य प्रदेश में देवास, दूसरा है महाराष्ट्र में नासिक, तीसरा है कर्नाटका में मैसूर, और चौथा है पश्चिम बंगाल में जो है सालबोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, म्यूचुअल फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है
कि इसमें केवल सामूहिक निवेश किया जाता है। दूसरा कथन है कि इसमें जो है अल्प वयस्कों को निवेश की अनुमति नहीं है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। यहाँ पे पहला कथन सही है जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति जो है निवेश कर सकता है और सेबी द्वारा जारी नियमों में कहा गया है कि यदि कोई जो है अल्प वयस्क जो है म्यूचुअल फंड में निवेश करता है तो वह निवेश उस जो है अल्प वयस्क के खाते या उसके किसी संयुक्त खाते से ही किया जा सकेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सी कुपोषण को मापने की विधि नहीं है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सी जो है कुपोषण को मापने की विधि नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए बालक की बुद्धि लब्धि जो है कुपोषण की मापने की विधि नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों जो है स्टेटमेंट जो है कुपोषण को मापने की विधि है, इसलिए तीन ऊपर के सही हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे गलत था, तो गलत के लिए पूछा गया था, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। विदेशी पोर्टफोलियो के निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह एक दीर्घकालीन निवेश है। दूसरा कथन है कि इसमें जो है केवल वित्तीय संपत्तियों का क्रय किया जाता है। तीसरा कथन है भारत में इसका नियंत्रण सेबी के द्वारा किया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 70 में देखा जाए तो यहाँ पे तो 70 में देखा जाए पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा तीसरा यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्गत जो है निवेशक द्वारा शुद्ध रूप से वित्तीय संपत्तियों जैसे शेयरों, ऋण पत्रों, बॉन्ड आदि का क्रय किया जाता है, तथा इस प्रकार के क्रय की व्यवस्था बैंक जो है विनियोग फंड के माध्यम से की जाती है। और यह जो है समान रूप से देखा जाए तो एक अल्पकालीन निवेश होता है, ना कि दीर्घकालीन, इसलिए पहला गलत है, दूसरा तीसरा यहाँ पे सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। बिहार राज्य बजट 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो 71 का राइट आंसर क्या होगा, जो है 59,637 रुपये जो है व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। बिहार राज्य बजट 2024-25 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए निम्नलिखित में से कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इस यह जो राशि है ये 700 करोड़ रुपए है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। बिहार राज्य बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो यहाँ पे 73 में देखें तो जो है कितना परसेंट रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है, तो यह जो है 2.98% जो है रहने का जो है सकल घरेलू उत्पाद का जो है 2.98% है, और यहाँ पे राजकोषीय घाटा, और जो है देखा जाए तो हाँ ठीक है, राजकोषीय घाटा जो है बिहार का कितना है 29,095.42 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.98% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। बिहार राज्य बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत सर्वाधिक राशि का आवंटन किया गया है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए जो है लगभग 5,092 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है 4,320 करोड़, और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत 3,374 करोड़, और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत जो है 2,955 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। बिहार सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र के
बच्चों के लिए पोशाक योजना के अंतर्गत प्रति बच्चा कितनी राशि उपलब्ध कराई जा रही है। तो प्रति बच्चा जो है 400 रुपये वार्षिक जो है उपलब्ध करवाई जा रही है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ रहे 3 से 6 वर्ष के बच्चों को यह लाभ प्रदान किया जाएगा और समाज कल्याण विभाग इस योजना का नोडल विभाग होगा और यह योजना जो है 2018 में शुरू की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत निम्नलिखित में से कितनी हो गई है। तो बिहार की आर्थिक विकास दर जो है पिछले 2 वर्षों में लगभग 10% रही है और देखा जाए तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार आपूर्ति के घंटे और गुणवत्तापूर्ण बिजली की उपलब्धता बढ़ जाने से बिहार की प्रति व्यक्ति खपत एक दशक में जो है 145.5% बढ़कर 2011-12 के 134 किलोवाट प्रति घंटा से बढ़कर 2021-22 में 329 किलोवाट प्रति घंटा हो गई है। तो 329 किलोवाट प्रति घंटा हो गई है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में धान की जो है सर्वोच्च उत्पादकता वर्ष 2022-23 में दर्ज की गई। तो यहाँ पे 77 में राइट आंसर होगा जो है रोहतास में दर्ज की गई है। रोहतास में दर्ज की गई है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है जो है 2022-23 में राज्य के जो है कुल चावल उत्पादन में रोहतास पहले पायदान पे, फिर औरंगाबाद, फिर कैमूर जो है संयुक्त रूप से 25.2% हिस्सा रहा है। और चावल की सर्वोच्च उत्पादकता जो है रोहतास में दर्ज की गई जो 4717 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन थी। और इसी तरह सबसे कम उत्पादकता 1601 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मधुबनी में दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जो है सुदृढ़ीकरण के लागू किए गए चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जो है कृषि एवं सहकारी सहवर्ती क्षेत्रों में 1.62 लाख करोड़ रुपए व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह लक्ष्य जो है यह रोड कृषि रोड मैप जो है वर्ष 2023 से 2028 तक के लिए है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके तहत जो है दलहनी और तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा और जो है पेस्टिसाइड का कम से कम जो है इस्तेमाल होगा और सेहतमंद जो है अनाज उगाने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा मिट्टी और जल जो है संरक्षण पर रिसर्च के लिए गया में जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य के निम्नलिखित में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। तो जो है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13.9% जो है वृद्धि दर्ज की गई है और इसके बढ़कर जो है 59,637 रुपये होने का अनुमान दर्ज किया गया है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के अनुसार जो है 38 जिलों की जो है रैंकिंग जो है बताई गई है और राज्य में औसत जो है प्रति व्यक्ति आय 53,637 रुपये है। पटना में यह जो है प्रति व्यक्ति आय जो है 1,14,541 रुपये है और बेगूसराय में प्रति व्यक्ति आय 46,991 और मुंगेर में 44,176 रुपये आंकी गई है। रिपोर्ट के अनुसार शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी में अमीरी गरीबी के बीच का अंतर काफ़ी अधिक है। शिवहर में जो है जिले में जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम 18,980 रुपये है और अररिया में यह जो है 19,795 रुपये और सीतामढ़ी में 21,448 रुपये जो है प्रति व्यक्ति आय आंकी गई है। और पटना में प्रति व्यक्ति आय जो है बिहार के सबसे गरीब जिले शिवहर की तुलना में लगभग 6 गुना से अधिक है। तो यहाँ पे शिवहर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में 31,000 निर्धन परिवारों को सतत जो है जीविकोपार्जन योजना के तहत लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत जो है प्रति परिवार कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी। तो इसके तहत जो है प्रति परिवार जो है लगभग जो है 2 लाख रुपये प्रति परिवार जो है धनराशि जो है आवंटित की जाएगी। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन से जो है केंद्रीय बजट 2024-25 की प्राथमिकताओं में शामिल है। पहला है कृषि में उत्पादकता एवं अनुकूलनीता, दूसरा है रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण, तीसरा है जो है समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, चौथा है विनिर्माण एवं सेवाएँ। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव किया जाए। तो यहाँ पे जो है 9 प्राथमिकताएं जो है दर्शाई गई हैं बजट में, जिसमें जो है कृषि में उत्पादकता एवं अनुकूलनीता और रोजगार एवं जो है प्रशिक्षण ये भी सही है, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय ये भी सही है, विनिर्माण और सेवाएं ये भी सही है, इसके अलावा शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी की सुधार, ये सभी सम्मिलित है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 82, केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बजट में जो है एंजल कर को जो है समाप्त किया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसे 2012 में लगाया गया था और जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। यह तब जो है लगाया जाता है जब कोई स्टार्टअप विदेश से कोई निवेश हासिल करता है तो उस निवेश को जो है अन्य माध्यम से आय मानते हुए उस पर 30% का टैक्स लगता है, जिसे एंजल टैक्स के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन से जो है राज्य जो है पूर्वोदय योजना में शामिल किए गए हैं। बिहार, झारखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तो सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें जो है इस योजना के तहत जो 5 राज्यों को शामिल किया गया है, बिहार, आंध्र प्रदेश और जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, लेकिन कर्नाटका यहाँ पे शामिल नहीं है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, चौथा सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, केंद्रीय बजट 2024-25 में सरकार द्वारा कितनी जलवायु अनुकूल नई किस्में जारी करने की घोषणा की गई है। तो इसमें जो है भारत सरकार ने 32 खेत और बागवानी फसलों में 100 नई जो है उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल किस्में पेश करने की एक जो है महत्वपूर्ण पहल पेश की है, जिसका उद्देश्य देश भर में कृषि पद्धतियों में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सके, इसलिए इनकी घोषणा की गई है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, केंद्रीय बजट 2024-25 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन उत्पादों पर सीमा शुल्क में कटौती की गई है। तो यहाँ पे एक तो मोबाइल चार्जर में कटौती की गई है, दूसरा ऑक्सीजन मुक्त तांबा में की गई है, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट और जो है पीवीसी फ्लेक्स बैनर में जो है सीमा शुल्क बढ़ाया गया है। अमोनियम नाइट्रेट में 10% किया गया है और इसमें 25% बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसमें जो है 10% जो है 15% जो है घटा दिया गया है और ऑक्सीजन मुक्त तांबा में भी घटाया गया है। इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किन स्थलों को केंद्रीय बजट 2024-25 में विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल एवं पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। पहला है विष्णुपद मंदिर, दूसरा है महाबोधि मंदिर, तीसरा है जो है कष्ट भंजन देव मंदिर, चौथा है मीनाक्षी मंदिर। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो 86 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन तीसरा और चौथा यहाँ पे गलत है। इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, केंद्रीय बजट 2024-25 में जो है पंप्ड स्टोरेज पॉलिसी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इस पॉलिसी का संबंध जो है ऊर्जा संवर्धन से है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, केंद्रीय बजट 2024-25 में पर्यटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो है पुनरुत्थान करने के अलावा नालंदा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। दूसरा कथन है उड़ीसा को श्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। तो उपर्युक्त कथनों में से सही जवाब आपसे पूछा गया है। तो 88 में देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 89,
विश्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 89 में देखा जाए तो इसमें जो है 38वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को 139 देशों में। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में बेरोजगारी दर कितनी रही है? तो बेरोजगारी दर जो है 3.2% रही है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करते हुए उसके लिए 15 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया है? तो इसका नाम है इराक। इराक ने यह घोषणा की है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के जो है 59वें सत्र की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस देश को प्रदान की गई है? तो यह जो है अध्यक्षता सऊदी अरब को प्रदान की गई है और इसके लिए जो है संयुक्त राष्ट्र में जो है सऊदी अरब के राजदूत जो है अब्दुल अजीज अल वासिल को जो है अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे 93 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, आलोक शुक्ला को जो है सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द जो है ड्रुक जो है ग्लाइपो से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार कहाँ का है? भूटान का है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के 32वें सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो यहाँ पे जो है 95 का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, स्वीडन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। प्रसिद्ध मलयालम लेखिका प्रभा वर्मा को वर्ष 2023 के लिए सरस्वती सम्मान जो है प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कृति के लिए प्रदान किया जाएगा? तो उन्हें जो है रौद्र सवितकम के लिए जो है 33वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 97। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किए गए लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 193 देशों में से भारत जो है 0.437 अंक के साथ 108वें स्थान पर है और इस सूचकांक में 2021 में 0.9490 स्कोर के साथ 191 देशों में भारत 122वें स्थान पर था। तो अभी जो है 108वें स्थान पर है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2022 में मनाए गए विश्व जल दिवस का विषय था? इसका विषय क्या था ये आपको बताना है। तो इसका विषय था शांति के लिए जल। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण किया, यह निम्नलिखित में से किसकी प्रतिमा है? तो यह जो है नरेंद्र मोदी ने पूर्वी असम के जोरहाट में जो है अहोम जनरल जो है लाचित बोरफुकन की 125 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया और 16.5 एकड़ में फैले इस क्षेत्र को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। और यह प्रतिमा इस प्रतिमा की नींव जो है फरवरी 2022 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। भारत में आयोजित 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता क्रिस्टीना जो है फिस्जुकोवा निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये जो है चेक गणराज्य से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और ये जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है इसका आयोजन जो है मुंबई में हुआ था और जो है चेक रिपब्लिक से जो है दूसरी बार कोई मिस वर्ल्ड बना है। इससे पहले 2006 में जो है तटाना कुचारोवा ने यह खिताब अपने नाम किया था
और 28 साल बाद जो है मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता की मेजबानी भारत ने हासिल की थी, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है सिनी शेट्टी ने किया था, जो मुंबई की ही रहने वाली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से किन विधियों का प्रयोग राष्ट्रीय आय के मापन हेतु किया जाता है? पहला है उत्पादन विधि, दूसरा है उपभोग विधि, तीसरा है व्यय विधि, चौथा है आय विधि। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 101 में देखा जाए तो पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो उत्पादन विधि है और व्यय विधि है और आय विधि है, इनका प्रयोग जो है राष्ट्रीय आय के मापन के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली जो है IFSC जो है अक्षरांकी कूट का निम्नलिखित में से क्या अभिप्राय होता है। तो इसका अभिप्राय होता है जो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और यह जो है 11 करेक्टर का एक यूनिट जो है यूनिक कोड होता है, जिसमें शुरू के 4 अक्षर बैंक के नाम को दर्शाते हैं और 5वां अक्षर जो है आमतौर पर 0 होता है और आखिरी के अंक जो है ब्रांच के कोड के बारे में हमें बताते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किस घाटे को जो है विकासात्मक घाटा भी कहा जाता है। तो इस घाटे का नाम है पूंजीगत घाटा। पूंजीगत घाटा जो है सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों पर जो है पूंजीगत व्ययों की अधिकता को पूंजीगत घाटा कहा जाता है। इसकी पूर्ति जो है राजस्व खाते के अधिशेष के द्वारा की जाती है। इसे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा जो है PM प्रणाम योजना का उद्देश्य है। तो PM प्रणाम योजना का उद्देश्य है कि उर्वरकों के टिकाऊ और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है और इसको जो है 2023-24 के बजट में इसकी उद्घोषणा की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105 है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसमें अधिकतम 5 किग्रा सोने में निवेश किया जा सकता है। दूसरा कथन है इस पर देय ब्याज 2.5% वार्षिक है। तीसरा कथन है इसकी परिपक्वता अवधि 8 वर्ष निर्धारित की गई है। तो 105 में दिया गया है कि सही कथन का चयन करना है। तो 105 में देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे है कि 5 किग्रा सोने में निवेश किया जा सकता है, न्यूनतम निवेश जो है 1 ग्राम भी किया जा सकता है और बाकी दोनों कथन सही है। तो यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 106, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है रिपोर्ट या सूचकांक, सूची सेकेंड में जारीकर्ता संस्थान दे रखा है। तो यहाँ पे विश्व निवेश रिपोर्ट जो है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है अंकटाड द्वारा जारी की जाती है। तो यहाँ पे पहला मिलान जो है सही है और मानव विकास सूचकांक जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। अगला है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जो है रिपोर्ट जो है विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। तो पहला दूसरा तीसरा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 107, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि इनमें मुख्यतः जो है विलासिता संबंधी उत्पाद शामिल होते हैं। दूसरा कथन है ये मांग के नियम का अनुसरण करती है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो गिफिन वस्तुएं जो होती हैं, तो यह शब्द जो है 1800 के दशक में जो है स्कॉटिश अर्थशास्त्री जो थे सर आर गिफिन के नाम पे यह शब्द जो है गिफिन गढ़ा गया। और गिफिन वस्तुओं में जो है मुख्यतः गैर विलासिता संबंधी उत्पाद शामिल किए जाते हैं और कीमत बढ़ने पर इन वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, इसलिए यहाँ पे सही तो कोई सा है नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, बेवरिज वक्र निम्नलिखित में से किनके मध्य आरेखी संबंध स्थापित प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। तो ये जो है बेरोजगारी का स्तर और रोजगार उपलब्धता का जो है आरेखी संबंध प्रदर्शित करता है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत सरकार द्वारा पहली बार इसे वर्ष 1966-67 में पेश किया गया। दूसरा कथन है इसे वर्ष में 2 बार कृषि लागत एवं मूल आयोग द्वारा जो है प्रस्तावित किया जाता है। तो सही कथन का चुनाव करना है। तो 109 में देखा जाए दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि गन्ने के लिए आपको बताया था पीछे एक क्वेश्चन छोड़ गए, उसमें जो है उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश की जाती है, ना कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। तो इसका सही जवाब है यह जो है सांख्यिकी यह जो है
सांख्यिकी और जो है कार्यक्रम जो है कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत जो है जारी किया जाता है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय स्थिरता ढांचे के एक उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला जो है त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा निम्नलिखित में से किन वित्तीय संस्थानों पर लागू होता है? पहला है वाणिज्यिक बैंक, दूसरा है सहकारी बैंक, तीसरा है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, चौथा है लघु वित्त बैंक। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे केवल पहला सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा केवल जो है वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है और यह सहकारी बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तक विस्तारित नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ऐसे ऋण जिनका ब्याज या मूलधन की किस्त का भुगतान 180 दिनों तक नहीं किया गया हो गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों में शामिल किया जाएगा। दूसरा कथन है कि कृषि जो है कृषि अग्रिमों के ब्याज तथा किस्त जो है अदायगी भुगतान की तिथि के दो फसलों तक न होने पर उसे गैर जो है निष्पादनकारी परिसंपत्ति माना जाएगा। तो यहाँ पे 112 में देखा जाए, सही कथन के लिए पूछा गया है, तो 112 में देखा जाए तो दूसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है ऐसे ऋण जिनके जो है ब्याज तथा मूलधन की प्राप्ति समान हो या नियमित हो ऐसे अग्रिमों को हम जो है समान ऋण या अच्छा ऋण कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है, किसी व्यक्ति को रोजगार मुक्त मानने के लिए किसी व्यक्ति को रोजगार युक्त मानने के लिए उस व्यक्ति का एक वर्ष में न्यूनतम कितने दिनों तक रोजगार में संलग्न रहना आवश्यक है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 113 का करेक्ट आंसर है जो है 183 दिनों तक कार्य करना आवश्यक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 165 दिनों में 183 दिन कार्य में संलग्न रहना अनिवार्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है, नंबर क्वेश्चन है कि जंक बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इनकी रेटिंग काफ़ी उच्च तथा प्राप्त प्रतिफल की दर निम्न होती है। दूसरा कथन है इनके मूल्य में जो है अस्थिरता की प्रकृति होती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला यहाँ पे गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि पहले समझ लेते हैं जंक बॉन्ड होते क्या हैं। तो ये ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनमें निगमों और सरकारों द्वारा जारी किए गए अधिकांश बॉन्डों की तुलना में डिफॉल्ट का जोखिम अधिक होता है, तो इन्हें जो है जंक बॉन्ड कहते हैं। और जो है जंक बॉन्ड उन कंपनियों द्वारा जारी किए गए बॉन्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वित्तीय रूप से संघर्ष कर रही होती हैं और उनके ब्याज भुगतान न करने या निवेशकों को मूलधन चुकाने में चूक होने का उच्च जोखिम होता है। और जंक बॉन्ड वह ऋण है जिसे किसी रेटिंग एजेंसी द्वारा निवेश ग्रेड से कम जो है क्रेडिट रेटिंग दी गई हो। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में बैंक है, सूची सेकेंड में स्थापना वर्ष है। तो अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना जो है 1881 ईस्वी में फैजाबाद में स्थापित किया गया इस बैंक को और वर्ष 1958 तक यह संचालित रहा। यह भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक था जिसकी देनदारी सीमित थी और इसका निदेशक मंडल पूर्णतः भारतीय था। यह एक छोटा बैंक था जिसकी कोई शाखा नहीं थी, यह केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही खोला गया था। तो इसका मिलान हो जाएगा तीसरे से। अगला है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना जो है अविभाजित भारत के लाहौर में 1894 ईस्वी में की गई थी। अगला है बैंक ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना 1806 ईस्वी में की गई थी और इलाहाबाद बैंक की स्थापना 24 अप्रैल 1865 में की गई थी। इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन सही मिलान हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से किन स्थितियों में कंपनियों के विलयों के लिए जो है प्रतिस्पर्धा आयोग की अनुमति आवश्यक है। पहला है अधिग्रहित की जाने वाली कंपनी की परिसंपत्ति 200 करोड़ रुपए से अधिक हो। दूसरा कथन है विलय करने वाली कंपनी का टर्नओवर 1500 करोड़ रुपए से अधिक हो। तीसरा कथन है विलय करने वाली तथा अधिग्रहित की जाने वाली कंपनी का संयुक्त टर्नओवर 3000 करोड़ रुपए से अधिक हो। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 116 में देखा जाए तीनों ही कथन यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है, जो है 117 नंबर क्वेश्चन है, पिगोवियन टैक्स निम्नलिखित में से किस पर आरोपित किया जाता है। तो 117 में देखा जाए तो यह जो है नकारात्मक बाह्यता वाले उत्पादों पर जो है आरोपित किया जाता है, जो ऐसी गतिविधियों में संलग्न होते हैं जो समाज के लिए प्रतिकूल प्रभाव पैदा करते हैं, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण, तंबाकू उत्पाद की बिक्री में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों पर तनाव या कोई अन्य जो है दुष्प्रभाव शामिल हो सकते हैं जिनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है समाज में, उन पे जो है पिगोवियन टैक्स लागू किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत भारत का निवासी या आयकर प्रदाता माना जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब है यदि वह पूर्व वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक की कालावधि के लिए भारत में है तो उसे जो है भारत का निवासी माना जाएगा, यानी आयकर प्रदाता माना जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन से जो है भारत में निम्न कर और GDP अनुपात के कारक हैं। पहला है विकासशील अर्थव्यवस्था, दूसरा है कृषि आय को कर से छूट, दूसरा है कर दरों का युक्तिकरण, चौथा है समानांतर अर्थव्यवस्था। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 119 में देखा जाए तो पहला दूसरा चौथा यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है कर दरों का युक्तिकरण जो है यहाँ पे गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से किस समिति ने राजकोषीय घाटे की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे देखा जाए 120 में तो इस समिति का नाम बताना है, तो राजकोषीय घाटे की अवधारणा को वर्ष 1985 में मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर गठित जो है सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नचिकेत मोर समिति जो है गठन वर्ष 2013 में किया गया इस समिति का गठन, और इसके द्वारा प्रत्येक नागरिक को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने की सिफारिश की गई। और दीपक मोहंती समिति का गठन जुलाई 2015 में वित्तीय समावेशन की मध्यवर्ती कार्य योजना तैयार करने के लिए गठन किया गया। और जो है एनके सिंह समिति का गठन 2017 जनवरी में किया गया, इसके तहत वित्तीय ढांचे के भीतर नीति निर्माताओं को लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 121, मसाला बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। पहला कथन है इन्हें अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा वर्ष 2014 में आरंभ किया गया। दूसरा कथन है इन्हें भारतीय बाजार के साथ ही विदेशों में भी जारी किया जा सकता है। तीसरा कथन है इनकी भारतीय मुद्रा में ऋण एकत्र करने में प्रमुख भूमिका है। चौथा कथन है इनमें जो है मुद्रा जोखिम निवेश द्वारा वहन किया जाता है। तो सही कथन का चुनाव करना है। तो पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पे गलत है कि इन्हें भारतीय बाजार के साथ ही विदेशों में भी जारी किया जाता है। तो ये भारत में जारी नहीं किए जाते, लेकिन स्थानीय मुद्रा की बजाय इन्हें भारतीय मुद्रा में जो है निर्दिष्ट किया जाता है, इसलिए जो है दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, भारत में प्रथम बार आयकर निम्नलिखित में से किसके द्वारा आरोपित किया गया था। तो 122 का करेक्ट आंसर है सर जेम्स विल्सन द्वारा जारी किया गया था जो है 1859 में, क्योंकि जो है 1857 की क्रांति के दौरान जो है अंग्रेजों का पूरा खजाना जो है खाली हो चुका था, और सेना पर ज़्यादा पैसा खर्च होने की वजह से तत्कालीन ईस्ट इंडिया सरकार पर उधार काफ़ी बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए जो है प्रथम बार आयकर जो है आरोपित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को विश्व बैंक समूह के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, तीसरा है बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था, चौथा है जो है निवेश के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र।
तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 123 में देखा जाए चारों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124 है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह एक जो है संवैधानिक निकाय है। दूसरा कथन है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा की जाती है। तीसरा कथन है इसका प्रमुख कार्य जो है शेयर बाजार का जो है विनियमन करना है। तो सही कथन का यहाँ पे चुनाव कीजिए, ये पूछा गया है आपसे। तो 124 में देखा जाए तो पहला कथन तो यहाँ पे सही है कि जो है सेबी एक जो है संवैधानिक निकाय है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, क्योंकि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो है भारत की केंद्र सरकार द्वारा इसको नामित किया जाता है, ना कि जो है रिजर्व बैंक द्वारा। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाता है, तीसरा सही है। तो पहला तीसरा सही हो गया, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है केंद्रीय वित्त मंत्री के दो सदस्य शामिल होते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक से भी एक सदस्य शामिल होता है, और शेष जो है 5 सदस्यों को भारत की केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है, और उनमें से कम 3 जो है पूर्णकालिक सदस्य होने चाहिए। और जो है यहाँ पे देखा जाए तो सेबी की जो है सेबी का गठन जो है भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से 12 अप्रैल 1988 को एक जो है गैर वैधानिक निकाय के रूप में किया गया, लेकिन जो है यहाँ पे देखा जाए तो 1992 में जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के द्वारा इसे वैधानिक यानी संवैधानिक निकाय बनाया गया, और यह प्रावधान 30 जनवरी 1992 को लागू हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो इसका प्रतिपादन जो है किसने किया था ये आपको बताना है। तो अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा ये गढ़ा गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126 है, देश में डिजिटल भुगतान की स्थिति स्पष्ट करने हेतु जारी किया जाने वाला डिजिटल भुगतान सूचकांक निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। तो यह जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127 है, जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A में किया गया है। दूसरा कथन है केंद्रीय वित्त मंत्री परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तीसरा कथन है कि परिषद में सभी निर्णय समान बहुमत से लिए जाते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से सही कथन का चुनाव करना है। तो 127 में देखा जाए तो पहला दूसरा सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 3/4 मतों के बहुमत पर निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128 है, पार्टिसिपेटरी नोट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निर्गत किया जाता है। दूसरा कथन है इसमें अंतिम जो है निवेशक के संदर्भ में कोई विवरण भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को प्राप्त नहीं होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 128 में देखा जाए तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में से कौन से आधारभूत उद्योगों में सम्मिलित है। पहला तेल शोधन उत्पाद, दूसरा है विनिर्माण उद्योग, तीसरा है उर्वरक उद्योग, चौथा है सीमेंट उद्योग। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 129 में हम पहुंचते हैं तो देखते हैं पहला तीसरा और चौथा तो सही है, आधारभूत उद्योगों में सम्मिलित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब समझ लेते हैं आधारभूत उद्योग होते क्या हैं। आधारभूत उद्योग वह उद्योग है जो अधिकांश देशों में अन्य सभी उद्योगों का समर्थन करते हैं। भारत के आधारभूत उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, तेल शोधन उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और जो है बिजली के उद्योग शामिल हैं। इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। इस प्रकार के एटीएम का स्वामित्व एवं संचालन जो है अधिकारिता गैर बैंकिंग जो है संस्थानों को प्राप्त होती है। इन एटीएम से किसी भी बैंक के उपभोक्ता द्वारा ग्राहक सेवा शुल्क का जो है भुगतान करके धन निकाला जा सकता है। तो उपर्युक्त जो है विशेषताएं निम्नलिखित में से किस प्रकार के एटीएम को संदर्भित करती है। तो 130 में देखा जाए तो ये जो है व्हाइट लेवल एटीएम को संदर्भित करती है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। नीचे दिए गए चार युग्मों में से कितने युग्म सही सुमिलित है। पहला सूची फर्स्ट में है संयुक्त राष्ट्र जो है संधारणी विकास लक्ष्य संख्या दे रखा है और दूसरी तरफ उनका लक्ष्य दे रखा है। तो लक्ष्य वन का क्या मिलान होगा। तो लक्ष्य वन का मिलान होगा कोई गरीब नहीं, यानी गरीबी उन्मूलन से होगा। और लक्ष्य दो का शून्य भूख से, और लक्ष्य तीन का अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण से, और लक्ष्य फोर का समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से। तो चारों युग में सही सुमिलित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 नंबर क्वेश्चन है, अल्की करे फोस्टर विधि का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से किया जाता है। तो 132 में देखा जाए तो इसका जो है उपयोग जो है बहुआयामी निर्धनता मापन के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन एक जो है वैधानिक निकाय है। दूसरा कथन है ये वित्तीय संस्थानों में निदेशकों एवं गैर कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की संतुति करता है। तो सही कथन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो भारत सरकार का जो है पूर्णतः स्वायत्त निकाय है, और निकाय में सरकार के अलावा नियामक निकायों के पदेन सदस्य और क्षेत्र के जो है विशेषज्ञ शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरा कथन सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो ये वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो है, इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 को की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने असंतुलित विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो 134 का करेक्ट आंसर है जो है हर्ष्मेड ने जो है असंतुलित विकास सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। इसका अभिप्राय यह होता है कि अर्थव्यवस्था के चुनिंदा क्षेत्रों या उद्योगों में ही निवेश केंद्रित किया जाए, प्रत्येक क्षेत्र में निवेश की बजाय कुछ क्षेत्रों में ही अधिक निवेश कर अर्थव्यवस्था में जो है असंतुलन की स्थिति बनाई जाए, जिससे जो है लिंकेज प्रभाव स्वयं ही विकसित हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन से जो है भारत में निजी क्षेत्र में नवीन बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवश्यक मानदंड है। पहला है बैंकिंग क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव, दूसरा है न्यूनतम पूंजी 500 करोड़ रुपए, तीसरा है कम से कम 25% जो है शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने के इच्छुक होना। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन किया जाए। तो यहाँ पे जो है तीनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मुद्रा स्फीति एवं जो है ब्याज दर के मध्य जो है संबंध को दर्शाती है। तो यहाँ पे जो है 136 में जो है देखा जाए करेक्ट आंसर होगा, 136 में करेक्ट आंसर होगा फिशर प्रभाव। फिशर प्रभाव में जो है मुद्रा स्फीति दर का अनुसरण करने के लिए नाम मात्र का ब्याज दरों में बदलाव की प्रवृत्ति होती है। इसका नाम अर्थशास्त्री जो है इरविंग फिशर के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने सबसे पहले इस संबंध में देखा और समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई रैंप योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो रैंप योजना जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिम बजट 2024-25 में घोषित यू विन पोर्टल का उद्देश्य है। तो यू विन पोर्टल का उद्देश्य क्या है, इस जिसका उद्देश्य जो है मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण का प्रबंधन करना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और जो है भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई। इस योजना को कम टीकाकरण करने वाले जिलों में लागू किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हरित एवं सामाजिक परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु जो है सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड फ्रेमवर्क की घोषणा की गई है? तो यह जो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा घोषणा की गई है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इसको नाबार्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सुझाव पर किया गया? तो यहाँ पे जो है एमजे फिरवानी समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई 1992 में। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अलावा जानकी रमण समिति का गठन वर्ष 1992 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा किए गए प्रतिभूति लेन देन में हुई अनियमितताओं की जांच के उद्देश्य से किया गया था इसका गठन। अगला है मालेगांव समिति का गठन, भारत में माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र की समीक्षा करने के लिए जो है इसकी का गठन किया गया। और SC साय समिति का गठन 1992 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फाइनेंस कंपनियों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए इसका गठन किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 141 है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा बिहार के निम्नलिखित में से किसे बिहार में जो है निम्नलिखित में से किसे यंग ग्लोबल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है? तो इनका नाम है जो है एक सामाजिक उद्यमी है शरद विवेक सागर, जिनको चुना गया है शरद विवेक सागर, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट में वर्ष 2070 तक बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितना गुना होने का अनुमान व्यक्त किया गया है? 142 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन 5.2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इन खेलों का आयोजन जो है पूर्वोत्तर भारत में किया गया। दूसरा कथन है इसमें जो है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने कुल 51 पदक अपने नाम किए। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? तो 143 का जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पहला ऑप्शन, दूसरा यहाँ पे गलत है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इसमें ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने जो है 51 पदक जीते ऐसा कहा गया है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो पदक तालिका में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो है कुल 71 पदकों के साथ जो है प्रथम स्थान पर रहा और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को द्वितीय तथा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। और इस प्रतियोगिता में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को एक कांस्य पदक प्राप्त हुआ और उसे पदक तालिका में 115वें स्थान पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी के विकास में जन सहभागिता पर निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पे इनसे मिलिए कार्यक्रम का जो है अनावरण किया गया। इसमें प्रख्यात पर्यावरणविद पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने आने वाली सभी आपदाओं के प्रति लोगों को आगाह किया और उन्होंने जो है उद्यमियों को ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भविष्य के लिए सचेत रहने के लिए भी कहा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, हाल ही में बिहार में मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरों को प्रदान की जाने वाली दैनिक मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? तो कितने रुपए की वृद्धि की गई है ये आपको बताना है। 17 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और अब श्रमिकों को 245 रुपए प्रतिदिन के आधार पर मजदूरी दी जाएगी। और अधिसूचना के अनुसार मनरेगा मजदूरी की उच्चतम दर जो है 374 रुपए प्रतिदिन हरियाणा में, न्यूनतम दर जो है नागालैंड में 234 रुपए प्रतिदिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 है, बिहार की निम्नलिखित विभूतियों को उनके भारत रत्न मिलने के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए राजेंद्र प्रसाद को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, लोकनायक जयप्रकाश को जो है 1999 में, और जो है उस्ताद बिस्मिल्ला खां को जो है 2001 में, और जो है डॉक्टर विधान चंद्र जो है राय को 1961 में,
तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन का कूट सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। हाल ही में संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में प्रियांश ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, ये बिहार के निम्नलिखित में से किस जनपद से संबंधित है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 147 में देखा जाए तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, बेगूसराय से संबंधित है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 148। 30वें राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया। दूसरा कथन है इसका उद्घाटन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा किया गया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 148 में देखा जाए तो पहला सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। हाल ही में खबरों में रहे बिहार सरकार के मिशन दक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इस योजना का उद्देश्य राज्य में कक्षा 3 से 5 के कमजोर छात्रों को विशेष कक्षाएं प्रदान करना है। दूसरा कथन है इसमें एक शिक्षक केवल 5 छात्रों को पढ़ाएगा जो हिंदी और बुनियादी गणित में कमजोर है। तो सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है, तो 149 में देखा जाए तो दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 150। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किए गए, इसमें मधुबनी की मैथिली ठाकुर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनको जो है सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही संस्कृति IAS द्वारा संचालित 70वीं BPSC PT के लिए 4th नंबर का टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।